हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो मैं आपको आज एक बार फिर लेके आ गया हूं थाने दर्शन कराने। बट थाने लेके आने की एक वजह बहुत खास है, क्योंकि मुझे एक यहाँ पे पिज्जा कॉर्नर के बारे में पता चला। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पिज्जा कॉर्नर चलता है क्या 24/7। अगर आप थाने में और आपको खाने का मन रहा पिज्जा रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो आपको बस एक कॉल लगाना है और ये आपको पिज्जा की डिलीवरी देंगे, या फिर आपको आके खाना है तो आ जाइए। हम बंद नहीं करते दुकान, हम आपके लिए खोल के रखते हैं। साथ में खास बात बता दूं इनके यहाँ की, कि भाई इनके यहाँ जो डव होता है ना नीचे, यानी कि जो ब्रेड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो सारी मेकिंग इनके किचन में होती है। हालांकि मैं किचन के अंदर नहीं जाने वाला हूँ, ये वीडियो के शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, पर मैंने जैसे जो भी इंक्वायरी की उसके बिहाफ से मैं आपको बता रहा हूँ। और वेराइटीज़ तो इतनी सारी है, मैं मेन्यू देख चुका हूँ, वेराइटीज़ इतनी सारी है कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, पर वेराइटीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो बिना देरी किए चलते हैं अंदर और खाते और देखते और बताते कि कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खाने वाला हूँ आज लोडेड पिज़्ज़ा। आइए चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे दी मीट रियोट को, इसलिए इसका नाम है, ऐसे यूनिक यूनिक नाम इन्होंने रखा हुआ है। और जिनके रेस्टोरेंट का नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लाइंग क्रस्ट करके इनके रेस्टोरेंट का नाम है, थाने स्टेशन से बहुत बहुत पास में है। और आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं काफ़ी लो बात कर रहा हूँ ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट हम एक स्लाइड करके देखेंगे कि कैसा है। ये देखिए, लोडेड तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये देखिए किस तरीके से जो है लोडपन इसमें से यहाँ से पूरी छलक रही है, और काफ़ी लोडेड है इसका। इन्होंने 120 रुपीज़ मुझसे एक्स्ट्रा लिया है, बट ये हर जगह का रूल है, तो मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। यार ठीक है यार, अच्छा खाना तो चलता है। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा सा हम चीज़ें ऐड करें। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगाया, वरना ये तकलीफ हो जाता। तो चलिए इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं और देखते खाने में कैसा। ये काफ़ी यूनिक तरीका है यहाँ पे बनाने का, मैंने पहली बार ही देखा शायद ऐसा। पानी बहुत आ रहा है खाने से पहले, चलिए खा के देखते कैसा है। अमेजिंग टेस्ट है। चीज़ की लेयर दिखाता हूँ, यहीं से ना चीज़ की लेयर शुरू हो जा रही है, पूरा चीज़ से एकदम लोड है। ब्रेड इनका जो है नीचे का है बहुत ही पतला है, बट उसके ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐड किए। सैलेड हमने कम इसमें ऐड करवाया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप सैलेड के साथ खाना चाहते हैं, नहीं तो मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सैलेड कम रखिए, चिकन खाना पसंद करेंगे, तो चिकन के हिसाब से हमने ये चीज़ें ऑर्डर किए। टू यम ब्रो, टू यम। कॉर्न चीज इसमें, सॉसेज है अंदर रेड कलर के, वाओ। थोड़ा मुझे लगा शायद कॉस्टली रहेगा, बट नहीं है। जो मेरे सामने दोनों आए, मुझे लगा मैं 550 पे कर रहा, छोटे छोटे पिज्जा आएंगे, एक पे एक फ्री है। तो अगर आप ऑफर ढूंढ कर आप थाने में भटक रहे हो या घर पे हो, मैंने बोर्ड पे ऐसा लिखा 24/7, मतलब आप ऑफर कर ऑर्डर कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर पिज़्ज़ा की तलाश में आपको लाजवाब पिज़्ज़ा घर वालों को खिलाना है, वेज नॉन वेज सब इनकस वेराइटीज़ है भाई, ऑर्डर प्लेस कीजिए, एक पे फ्री। दिल खोल के बोलूँगा मंगवाइए। हाँ, बट चीज़ लवर है तो लोडेड करवाना मत भूलिएगा, चीज़ बस बोलिएगा तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज शायद ये इतना प्लेन हो सकता है, माइट बी। बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक पैसे का भी गिला शिकवा नहीं कि मैंने एक पे एक फ्री क्यों मंगवाया, मैंने इनका डीप क्यों नहीं ट्राई किया, मुझे नहीं मंगवाना भाई, ये बहुत अच्छा है। आप कभी मैं आऊँगा डेफिनेटली वो भी खा के जाऊँगा, बट ये एक पे एक फ्री वाली बात है ना, जम गई मुझे। वैसे तो एक पे फ्री वाला स्क्वायर पिज्ज़ा भी देता है, बट मैं सच कह रहा हूँ बहुत महंगा, 1400 रुपीज़ देता है भाई साहब। 800 में मेरे सामने ना दिग्गज पिज़्ज़ा है, दो नहीं तीन नहीं, मेरे हिसाब से चार लोग आराम से खा लेंगे, आराम से।
कैमरा शायद जस्टिफाई ना करता हो, आपको छोटा लगता हो, 10 इंच है यार, परफेक्ट है। आइए दूसरे भाई साहब को ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि वो खाने में कैसा है। होप आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और अगर ये पसंद आ चुका है तो लाइक का बटन टैप 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 कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से और बताइए कैसा है। लास्ट वीडियो में काफ़ी प्यार दिया आपने, थैंक यू सो मच, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, वाह। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा पिज्ज़ा दिखाता हूँ खाकर। अगर आप नहीं ढूंढ रहे हैं चीज़ बस, तो भी आपको ये चीज़ खिलाएंगे, इनका इन्होंने कसम खा के रखा है, चीज़ खिलाएंगे हम। अगर आप एडिशनल खाना चाहते हैं तो भी खिलाएंगे हम, उसके लिए 120 है। बट ये देखिए बिना चीज़ के, ये देखिए, और इसमें राउंड टाइप में मीट है और इसमें मीट के काफ़ी सारे वेराइटीज़ है। और ये इनका जो है फ्लाइंग क्रस्ट का जो है स्पेशल है, जो कि रेड सॉस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो हमने एक चीज़ बस मंगाया था, और एक ही, क्योंकि हम दो ही जन हैं और मुझे पता है कि हम दो जन हैं और हम दोनों इसको आराम से खा सकते हैं, तो वो डेफिनेटली खाएंगे। आइए देखिए बिना चीज़ बस का हम जो है इसको ट्राई करते हैं। तो मैं सच कह रहा हूँ, तो मुझे इनका ये जो है ट्राई करना था डीप, बट ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा पेट इतना ही साथ देगा तो उसके हिसाब से हमने ये मंगाया। बट हम कभी आए तो मैं ज़रूर खा के आपको एटलीस्ट, नहीं तो भी इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, और आपको वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं। अभी चीज़ बस खाने के बाद ये थोड़ा सा कम चीज़ लोडेड लग रहा है, तो ये अच्छा है कॉम्बिनेशन हमारे लिए, ये देखिए। और अगर आप पीसीज देखते हैं तो काफ़ी 1, 2, 3, 4 वेराइटीज़ के यहाँ पे पीसीज भी हैं। चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं। भाई मज़ा आ रहा है। आइए ना कृपा करम, जैसे आपके पास प्रोसेसर में वेट मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए किसी चीज़ का, बस ढाबा बोल दीजिए। एक पे एक फ्री है, ये ऑफर बहुत कमाल है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। मुझे तो आ रहा है, एक पे एक फ्री भी मिला तो सोने पे सुहागा हो गया, ये कह सकते हो। मन मुक्त हो गया, ये चीज़ बस रहता तो मैं ऐसे नहीं खा सकता था, इसलिए मैंने सोचा चीज़ बस खाने जाऊँगा तो दाढ़ियाँ भी भर जाएगी। तो अगर चिकन की पीस की बात करें तो यहाँ पे आपको ये चिकन के पीसेस दिख जाएंगे, और ये है चिकन सलामी, जो कि यहाँ पे है चिकन सलामी। और अगर चिकन सॉसेस की बात करें तो ये रहा। तो ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी है चिकन की और सॉसेस की और सलामी की, तो थोड़े वेजेस ऐड किया बहुत हल्का फुल्का, बट ठीक है, ओवरऑल आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी आइए, खाइए और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, वीडियो भी कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी जाइए, अब भी कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, अब भी जल्दी कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं नहीं आप वो भी बताइएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी प्लेसेस है, कुछ है आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो फटफट लिख के बताइए कि यहाँ पर जाके ट्राई कीजिए, हम अपना 100% देंगे कि हम वहाँ पर जाओ और ट्राई करें। मुंबई के अंदर सऊदी में भेज देंगे, अभी उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है। होप आपने वीडियो पसंद किया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों से ज़रूर रिकमेंड करें, अपना प्यार बनाए रखें, आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो तक ले क्या, इतना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। मिलते फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.